हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली हम मॉडरेशन मीडिएशन में पहुंच गए हैं। आइए बात करते हैं मीडिएशन की। जमोवी में मीडिएशन बहुत ही सिंपल है। ये दो तीन बातें पूछता है कि आपका मीडिएटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, और सीधे रिजल्ट दिखा देता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। मेरे पास फाइल है कार सेल्स। ये फाइल मैंने लगभग सभी प्लेलिस्ट के अंदर यूज़ की हुई है, और मीडिएशन भी वही पुराना कि MPG डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हॉर्स पावर, और देखते हैं फ्यूल कैपेसिटी इसको मीडिएट करता है या नहीं। तो मीडिएशन तीन चीज़ें पूछ रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा MPG, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हॉर्स पावर मीडिएटेड बाय फ्यूल कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल। ये सीधा टू द पॉइंट बात करता है। अगर आपको ये है स्टैंडर्ड, अगर बूटस्ट्रैपिंग के रिजल्ट चाहिए हो तो अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बूटस्ट्रैपिंग के रिजल्ट आ जाएंगे। लेबल्स का मतलब है कि आपको ये दिखाना है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ए इंटू बी और डायरेक्ट होता है बी, ऐसे दिखाना है क्या। कॉन्फिडेंस इंटरवल या परसेंट मीडिएशन, ये हम बाद में बात करते हैं। एडिशनल में पाथ एस्टिमेट, अगर आपको चाहिए अलग से भी रिजल्ट चाहिए कि डायरेक्ट का क्या था इनडायरेक्ट का क्या था, तो ये अलग से भी दे देगा क्योंकि बूटस्ट्रैपिंग के इसलिए टाइम लेगा। इन द मीन वाइल चेक करते हैं एमओएस के अंदर। मैंने यही चीज़ बना ली, हॉर्स पावर लीड्स टू फ्यूल एफिशिएंसी दैट इज़ MPG मीडिएटेड बाय फ्यूल कैपेसिटी। तो इसको भी रन कर लेते हैं यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। स्टैंडर्डाइज हटा भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो जमोवी है वो स्टैंडर्डाइज नहीं देता, वो डायरेक्ट इफेक्ट ही देता है। 1000 के बूटस्ट्रैपिंग पे 95% इसको भी रन कर लेते हैं। तो एमओएस का आउटपुट हम पहले बात कर चुके हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है -0.025 और डायरेक्ट है -0.21, दोनों को ऐड करें टोटल इफेक्ट आ जाता है। जमोवी में देखें, जमोवी में इनडायरेक्ट इफेक्ट है -0.248, ये सेम है वही चीज़। 248 का मतलब है 245, और डायरेक्ट है 0.021, तो जमोवी में 0.021 और मिला के वही आ गया। इनडायरेक्ट होता है ए इंटू बी, इसको देखिए इस तरह से समझें। हॉर्स पावर का फ्यूल कैपेसिटी पे 0.043 है। अगर इसको हम यहाँ आउटपुट दिखाना चाहें ना, तो ये 0.043343, और फ्यूल कैपेसिटी का इफेक्ट है -0.72। तो इसके थ्रू जो इफेक्ट जाएगा वो एक्चुअली इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक कर लें ये बात। तो जमोवी के अंदर ये गिवन है 0.0343 इंटू ये वाला 0.7239, ये इफेक्ट आता है 0.0248। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट और नेगेटिव साइन के साथ। तो जो हमारा इफेक्ट आ रहा है हॉर्स पावर का, जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है वो तो हमारा है -0.02, और इनडायरेक्टली इन दोनों के प्रोडक्ट से कुछ यहाँ से आ रहा है। तो मीडिएशन के लिए हम चेक करते हैं पहले जो प्रोफेसर हेज बोलते हैं, क्या इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है? हाँ सिग्निफिकेंट है। क्या डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है? हाँ। तो ये हमारा हो गया पार्शियल मीडिएशन। और अगर यही चीज़ हम यहाँ से देखें तो क्या ये सिग्निफिकेंट है इनडायरेक्ट, और यहाँ से हम इसकी देल वेल देखते हैं, हाँ जी सिग्निफिकेंट है। क्या हमारा डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है -0.021, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ये हमारा हो गया पार्शियल मीडिएशन। और अगर आपको चाहिए एस्टिमेटेड प्लॉट, एस्टिमेट प्लॉट में ये दोनों को प्लॉट कर देगा कि इनडायरेक्ट का कितना है डायरेक्ट का कितना है। अब एक स्मार्ट PLS 3 के अंदर एक नया कंसेप्ट दिया है परसेंटेज ऑफ मीडिएशन। देखिए परसेंटेज ऑफ मीडिएशन को एक बार समझिए। कुछ इफेक्ट तो यहाँ से था, जब ये नहीं था तब तो सीधा ही था। इसका जो अभी इफेक्ट था वो कुछ इसने भी ले लिया। अगर हम ये कहें कि फ्यूल कैपेसिटी नहीं है, इन केस फ्यूल कैपेसिटी को हटा दिया और रन करें, अब जो इफेक्ट है ये है -0.05। -0.05 के अंदर, -0.05 में, अब जब हमने फ्यूल कैपेसिटी को एज मीडिएटर लिया तो आपको पता है ना ये फ्यूल एफिशिएंसी मल्टीपल रिग्रेशन हो गया। कुछ इसका आर स्क्वेयर इसमें जाएगा और इसका जो बीटा ये भी शेयर करेगा। तो रन करके देखते हैं, तो ये आ गया -0.72, 0.03, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये इफेक्ट है। अब इनडायरेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ मीडिएशन।
इसका मतलब अगर ये कितना है 0.0248, दोबारा से अपना कैलकुलेटर खोलते हैं, 0.0248 डिवाइडेड बाई टोटल है ये वाला 0.0458, तो ये आ गया 54%। तो अगर आप परसेंट मीडिएशन करेंगे तो 54% तो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है 45। तो अभी जो स्मार्ट PLS 3 है उसके डेवलपर्स और ऑथर्स प्रोफेसर रिंगल प्रोफेसर और ये कहते हैं कि अगर आपका इनडायरेक्ट 80 से ज़्यादा है तब तो हम इसको बोलते हैं फुल मीडिएशन, 20 से 80 के बीच में है तो हम बोलते हैं पार्शल, और अगर 20 से भी कम हो इनडायरेक्ट तो इसको बोलते हैं नो मीडिएशन। और इस टर्म को स्मार्ट PLS 3 में बोला जाता है VAF, वेरियंस अकाउंटेड फॉर। तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें तो है ही। तो ये हमारा हो गया टोटल इफेक्ट, ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। जो जितना इफेक्ट बड़ा होगा आप अकॉर्डिंगली देखते जाएंगे, अगर ये इतना ज़्यादा बड़ा है तब आप बोलेंगे अच्छा है तो फुल मीडिएशन है, अगर डायरेक्ट ज़्यादा बड़ा है छोटा सा है तो नो मीडिएशन, और अगर ये दोनों बराबर हैं तब आप देखेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आएगा, उसको बोलते हैं पार्शियल मीडिएशन। तो बड़ा टू द पॉइंट सिंपल सा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चीज़ नहीं। हाँ, इसके अंदर हम डबल मीडिएटर पैरेलल या हमारे सीरियल मीडिएशन उसका स्कोप नहीं है, आप इसको एक को ही डाल सकते हैं, दो तीन का नहीं है। एमओएस की तरह ये सिंपल मीडिएशन पे काम करता है, कॉम्प्लेक्स मीडिएशन पे काम नहीं करता है। राइट, सो दिस वाज अबाउट द मीडिएशन, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।